नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने यूट्यूब की शुरुआत की है, आपको भी पता है पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, सारे बच्चे घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठ के ही पढ़ाई करें। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। जैसा कि दिन में हम एक वीडियो मैथ किया डाल चुके हैं, ये जो इवनिंग के टाइम क्लास होगी, इवनिंग के आगे अब तो रात का टाइम है, देखा जाए रात के लगभग 11 बज रहे हो, 11 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो वीडियो डालेंगे, इस टाइम जो वीडियो आपको मिला के रहेगी वो रीजनिंग की वीडियो रहेगी। तो रीजनिंग में हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अपने पहले ही टॉपिक का नाम है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना से मतलब है काउंटिंग ऑफ फिगर। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? काउंटिंग ऑफ फिगर। देखो दोस्तों, ये टॉपिक अगर देखा जाए तो रीजनिंग का सबसे टफ टॉपिक भी है और सबसे इजी टॉपिक भी है, क्योंकि हमको पता है इसमें से निश्चित ही क्वेश्चन आता है। आप राजस्थान पुलिस की बात करो, दिल्ली पुलिस की बात करो, रेलवे की बात करो, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना टॉपिक कौन सा है? आकृतियों करना। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक भाग होता है जिसमें आकृति संबंधी क्वेश्चन आते हैं, और आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस में अधिकतर क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। अब वो आकृतियों में हमसे क्या क्या पूछ सकता है? देखो दोस्तों, हमसे वो वर्ग पूछ सकता है कि भाई कोई भी आकृति में वर्ग कितने होंगे। हमसे वो आयत पूछ सकता है, इस आकृति में आयत कितने हैं। हमसे वो त्रिभुज पूछ सकता है, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। हमसे वो चतुर्भुज पूछ सकता है, इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। कभी कभार वृत्त का क्वेश्चन भी आता है, और आजकल एक क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में है वो सीधी रेखा या सरल रेखाओं का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आकृति गिनने वाला जो टॉपिक है उनमें से इन इन टाइपों में से अंदर क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ही हम ले लेते हैं कौन सा? वर्ग की बात करते हैं, जिसे कहते हैं स्क्वायर। तो हमारा पहला ही टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, वर्ग, कि किसी भी आकृति में हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ग में भी हम टाइप बाय टाइप चलेंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करें कि ये एक आकृति है और हमको बताना है इस आकृति में कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करना, कितने हैं? एक वर्ग। आयत कितने हैं? आयत भी कुछ कहेंगे, सब आयत नहीं है तो वर्ग है, लेकिन हमेशा ध्यान रखनी है एक बात हमको, वो क्या है कि सारे वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयत होते हैं। अब होते क्यों हैं सारे वर्ग आयत, इसकी बात हम आपको बताते हैं। हमने क्या पढ़ा है, वर्ग की परिभाषा क्या पढ़ी हमने? जिसकी चार भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं वर्ग, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं आयत। यही अंतर है। अब आप एक बात बताइए, जो आयत की परिभाषा है क्या है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या वही परिभाषा इसमें सही बैठती या नहीं बैठती? बैठती है, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक जो वर्ग होता है वो क्या होता है? आयत होता है। अब चलो दोस्तों चलते हैं, अगर इसमें वर्ग गिनने की बात करें तो वर्ग कितना है? एक। अच्छा, अब वर्ग कितने होंगे? अभी एक ही रहेगा, बड़े थोड़ी है। ठीक है, अब अगर पूछे तो वर्ग कितने, तो हम कैसे गिनेंगे? एक, दो, तीन, चार और एक बड़े वाला पांच। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं। ये दोस्तों छोटी आकृति थी इसलिए हमने इसको गिन लिया। अगर इससे थोड़ी हमको बड़ी आकृति दे दें और उस आकृति में हमसे पूछे जाए कि इस आकृति में हमको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस आकृति की हम बात करें, तो हम वर्ग कैसे गिनेंगे? जो हमारा तरीका होना चाहिए वो क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, एक बड़े वाला दस, ऐसे गिने, या कुछ दिमाग ये भी लगाएंगे, चलो साहब हमको एक यहां भी दिख रहा है दस के बाद, एक ये हो गया ग्यारहवां वर्ग, एक और आपको दिख रहा होगा ये हो गया बारहवां वर्ग, एक और वर्ग नीचे दिख रहा होगा ये हो गया तेरहवां वर्ग, और एक वर्ग बढ़ रहा है इधर ये हो गया चौदहवां वर्ग। तो टोटल आकृति में वर्ग कितने आए? चौदह। लेकिन अब आप बताओ, टाइम तो खर्च होगा ना चौदह वर्ग गिनने में, इसका मतलब तरीका क्या होगा वर्ग गिनने का? वो ये होगा, पहले इसमें लगाते हैं वो तरीका क्या है, कितने वर्ग गिने थे हमने? पांच। अब एक बात बताओ, हम इधर से देखें तो वर्ग कितने हैं? छोटे वर्ग दो, इधर से भी छोटे वर्ग कितने? दो। अगर हम बात करें ये कितने बाई कितने का वर्ग है, दो बाई दो की मैट्रिक्स है, तो
तुमको कुछ नहीं करना, इसमें अगर पंक्ति और कॉलमों की संख्या समान हो तो ये नियम लगा देना। नियम क्या होगा, इधर लिखा एक, इधर लिखा दो, क्या गिन लिए, छोटे वर्ग गिन लिए। अब हमको क्या गिनना है इसमें, वर्ग, तो क्या करो इनका वर्ग कर दो, और वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ दो, दो का वर्ग चार, एक का वर्ग एक, चार और पांच, आया समझ। कुछ नहीं करना, केवल अंक लिख के क्या करना है, वर्ग, वर्ग क्यों करना है, क्योंकि हम वर्ग ही गिन रहे हैं, इसमें लगाते हैं नियम। चलो एक दो और तीन क्या करेंगे, वही वर्ग करेंगे, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, और क्या कर देंगे ऐड करके देखो, तीन का वर्ग नौ, नौ और दो का वर्ग चार, नौ और चार तेरह, एक का वर्ग एक, तेरह और चौदह, टोटल कितने वर्ग आए, चौदह वर्ग, हमने गिने भी थे तो भी कितने थे, चौदह थे। अब आप कर सकते हो, अगर कोई ऐसी आकृति आपको दिखे जिसमें आपको वर्ग गिनने हो, जैसे एक आकृति लेते हैं, इसमें आप बताइए, कमेंट जरूर करना वीडियो पर कि आपको कितने वर्ग दिखे हैं। चलो दोस्तों वही नियम लगाते हैं, छोटे वर्ग गिनो, एक दो तीन और चार, और सभी का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करके क्या करना है, जोड़ देना है। चार का वर्ग सोलह, तीन का वर्ग नौ, सोलह और नौ पच्चीस, दो का वर्ग चार, पच्चीस और चार उनतीस, उनतीस और एक तीस, तो इस आकृति में कितने वर्ग होंगे दोस्तों, तीस वर्ग होंगे। अब बताओ अगर तीस वर्ग हम गिनने बैठे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम तो खर्च होगा ना, इसका मतलब कैसे गिनने हैं, हमको जो वर्ग गिनने हैं, छोटे वर्गों की संख्या गिनो, उनका क्या कर दो, वर्ग करके ऐड कर दो। देखो दोस्तों अगर ये तो वो थे वर्ग जिनमें पंक्ति और कॉलमों की संख्या बराबर हो, हमने देखा यहाँ भी छोटे वर्ग चार थे, इधर से भी गिने तो भी छोटे वर्ग चार थे, तो ये नियम लग जाएगा। अगर पंक्ति और कॉलमों की संख्या अलग अलग आ जाए, जैसे हमको एक ये दे दिया और इस आकृति में पूछ लिया कि भाई कितने वर्ग हैं, ये देखिए, तो हमने देखा कि भाई कॉलमों की संख्या कितनी थी, एक दो तीन, पंक्ति कितनी थी, एक दो, अभी तो बराबर की मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें नियम कौन सा लगाएंगे, पंक्ति और कॉलम देखो, पंक्ति और कॉलम, पंक्ति कितने हैं, कितनी सॉरी कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, इधर लिख लिया तीन, पंक्तियां कितनी है, एक दो तीन गुना, क्या करना है, पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या। अब इनको एक एक कम करते हुए चलना है, तीन को कम करेंगे कितना आएगा, दो, दो को कम करेंगे कितना आएगा, एक, अब आगे कम करेंगे तो जीरो आ जाएगी, और जीरो का संख्या, जीरो का गुणा किसी संख्या से करो, जीरो ही आती। अब देखो तीन दूने छह और दो एक कम दो, और छह और दो कितने हो गए आठ, इसका मतलब इसमें कितने वर्ग हैं, टोटल आठ। आप गिन भी सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह के बाद एक वर्ग बन रहा है यहां तक सात, और एक वर्ग बन रहा है यहां तक, तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे आठ। थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसी में, देखिए दोस्तों इससे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसमें वर्ग गिनने की कोशिश करते हैं कितने वर्ग बनेंगे। देखो पंक्ति कॉलम कहीं से भी गिन सकते हो, या पहले पंक्ति ले लो या पहले कॉलम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। देखना एक दो तीन क्या लिखा, तीन, इधर एक दो तीन चार क्या लिखा, चार। क्या करना है, कम करते हुए चलना है, तीन को कम करेंगे दो, चार को कम करेंगे तीन, दो को कम करेंगे एक, तीन को कम करेंगे दो, आगे जीरो आ जाएगी, गुणा करो मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, चार दिया बारह, तीन दो ने छह, दो एकम दो, बारह और आठ टोटल कितने हो जाएंगे, बीस वर्ग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गिन लोगे कोई दिक्कत बताओ, पहले टाइप में ये वर्ग का क्या हो गया, टाइप फर्स्ट। अगर वर्ग में हमको गिनने हो तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस तरीके के आ सकते हैं जिसमें हमको वर्ग अलग अलग दिए हो, या तो पंक्ति कॉलम समान हो या पंक्ति कॉलम क्या हो अलग अलग। अगर आप चाहो तो एक बार स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीन शॉट जिनको लेना हो ताकि ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं इसी वर्ग में टाइप सेकेंड की, कि जो टाइप सेकंड के वर्ग के क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, टाइप सेकंड में जो वर्ग के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे। देखिए दोस्तों वर्ग ही गिनने हैं, लेकिन वर्ग में ही हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। दोस्तों अभी हमने ये बात की थी, जो ये हमको एक वर्ग दिखे और वर्ग में इस तरीके की दो रेखाएं सरल रेखा खींच रही हो तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, पांच होती है, ये हमारी छोटी आकृति। अगर इसी आकृति को वो बड़ा करते, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि वर्ग में
सीधी या सरल रेखाएं खींच रही हूं तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? पांच। और यदि किसी वर्ग में विकर्ण खींच रहे हो तो वर्गों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वर्ग एक ही रहेगा, वर्गों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब हमें पता है सरल रेखा खींचने पर वर्गों की संख्या पांच हो जाती है। अब वो क्या करता है, इसी क्वेश्चन को थोड़े बड़े स्तर पर दे देता है। कैसे? इस तरीके से। इस तरीके का उसने क्वेश्चन दे दिया। क्या कर दिया? वो केवल हमको फंसाने के लिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करते हैं, इसमें गिनना शुरू कर देते हैं, एक गिना, फिर दो गिना, फिर तीन गिना, फिर चार गिना। ऐसा नहीं करना है हमको। क्या देखना है, यदि कोई आकृति बड़ी आती है तो उसको ये देखना है इसकी छोटी आकृति कौन सी है। हमने देखा ये छोटी आकृति है, यहाँ एक है, फिर दो हो गई, फिर तीन हो गई, फिर चार हो गई, यही है। अगर हम एक काम करें, हमको पता है इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं? पांच। इस बाहर वाली में भी कितने होंगे? पांच। इस बाहर वाली में भी कितने होंगे? पांच। और बड़ी वाली में भी कितने होंगे? पांच। अब तुम खुद ही बताओ टोटल वर्ग कितने होंगे? बीस। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? बीस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग में और क्वेश्चन बता देते हैं जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, इसमें वो वर्ग भी गिनवाता है, इसी में ही त्रिभुज गिनवाता है। आप एक बार आकृति देखिए, ये आकृति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसमें क्या पूछता है? वर्ग पूछता है या पूछता है इसमें त्रिभुज, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग भी पूछे जाते हैं और त्रिभुज भी पूछे जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और ये बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। जिन दोस्तों को दिख जाए वो कमेंट जरूर करना, सबसे पहले कमेंट पढ़ेंगे किन किन दोस्तों ने कमेंट किए हैं, जिनको पता लगा है। इसमें हमको क्या बताने हैं? वर्ग बताने। अभी त्रिभुज की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। यदि हम इसमें वर्ग गिनते तो कैसे गिनते? भाई एक वर्ग ये हो गया, दो वर्ग ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, एक बड़े वाला हो गया पांच, तो हमको कितने दिखे? पांच। हमने उत्तर क्या लिख दिया? पांच। पांच ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि गलत ऑप्शन जो आता है वो जरूर मिलता है। लेकिन हमको और भी वर्ग दिख रहे हैं कि आप देखो दिख रहे हैं पांच के अलावा। यदि हम इस वर्ग की बात करें तो ये भी तो एक वर्ग है, और इसमें भी क्या हो रहा है, चार वर्ग ऐसे ही बन रहे हैं छोटे। कौन से वाले? ये वाले पांच ही अंदर वर्ग है और पांच ही बाएं वर्ग बाहर। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? दस। तो इस आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों? दस वर्ग है। बताओ दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अभी एक बात और बता देते हैं, जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे या भी जो भी आपके मित्र हैं मिलने वाले, उनको बता दीजिए मैथ की और रीजनिंग की। जो खासकर राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट हैं, राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान दें, क्योंकि रीजनिंग की कंटिन्यू ही क्लास चलेगी, आपको टोटल रीजनिंग कराई जाएगी। अगर रीजनिंग के कुल क्वेश्चनों की बात करें, सॉरी कुल टॉपिक की बात करें, आपके हिसाब से कितने टॉपिक होने चाहिए रीजनिंग में? अगर मैं रीजनिंग के टॉपिक की बात करूं, कितने टॉपिक होने चाहिए? कुछ कहते हैं साहब 20 टॉपिक होने चाहिए, कुछ कहते हैं साहब 23 होने चाहिए। रीजनिंग के टोटल हम लगभग 40 प्लस टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीटली टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग। कंप्लीट क्लास शुरू होगी, आज पहली क्लास है, ठीक है दोस्तों। एक एक वीडियो रोज आपको रीजनिंग मैथ की मिलेगी, एक वीडियो रीजनिंग की मिलेगी। सुबह के टाइम मैथ की वीडियो आ जाएगी, शाम टाइम रीजनिंग की। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, एक दूसरों के पास साथ शेयर करें, और क्या करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको पता है शाम का टाइम है, गर्मी भी बहुत है, बाकी कोशिश करेंगे आपके साथ कंटिन्यू जुड़ने की। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।